दोस्तों, बिग बॉस के घर में आपने सिद्धार्थ शुक्ला को शायद ही एक या दो बार रोते हुए देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि आज फिर से एक बार सिद्धार्थ शुक्ला रोने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, एक बार जब छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण मूवी का प्रमोशन करने आई थी और उनकी कहानी जो ऐसी डेटेकर थी, उनकी कहानी सुनकर लक्ष्मी अग्रवाल की, सिद्धार्थ शुक्ला इमोशनल हो गए थे और रोए थे। और एक बार जब रोहित शेट्टी आए थे तब सिद्धार्थ शुक्ला रोए थे। लेकिन दोस्तों, ये तीसरी बार होगा जब सिद्धार्थ शुक्ला के आंखों में आंसू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी माँ को देखने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला एक बार फिर से इमोशनल होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सभी घर वाले रोने लगते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की माँ को देख के। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं माँ को देखने के बाद, और फिर वो रश्मि से मिलाते हैं और रश्मि से अच्छी खासी बातचीत कराते हैं अपनी माँ की। यहाँ पे जो एक लड़ाई होती है जो सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के बीच, उसको भूल कर सिद्धार्थ शुक्ला एक बार प्यार से सभी को अपने घर वालों से मिलाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा प्यार से रश्मि से मिलती हैं और उसके बाद शहनाज की भी काफ़ी तारीफ़ करती हैं और शहनाज के बारे में कहती हैं कि शहनाज काफ़ी अच्छी लड़की है जो मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से बिग बॉस के घर में उसने रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ मीठी बातें भी होंगी, कुछ हंसी मजाक भी होगा सिद्धार्थ शुक्ला माँ और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच, और दोनों एक बहुत ही एक अलग बॉन्ड शेयर करते हुए नज़र आने वाले हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की ऐसी स्माइल काफ़ी दिनों बाद देखने को मिलेगी, तो वो माँ को बार बार गले लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला तू घर पे जो यहाँ पे है बिग बॉस के, वहाँ पे हमेशा हंसता क्यों नहीं है, तू हंसता है तो सारे घर वाले हंसते हैं और बाहर भी मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तू हंसता है, लेकिन जब तू उदास होता है तो मेरा दिल भी उदास हो जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिद्धार्थ शुक्ला इस बात पे गौर करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी माँ ये भी बोल देती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला तू प्लीज़ फुल कपड़े पहना कर, हमेशा चड्ढे में घूमते रहता है और हमेशा टी शर्ट में घूमते रहता है, कभी तो फुल कपड़े पहन लिया कर। और इसी बात को सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब ये जो बात कहेंगे उससे हंसी आ जाएगी और वो गले लगा लेंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी उनकी माँ के थ्रू। आपका क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। धन्यवाद।